गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी टीच यू साइंस स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर सेकंड, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। सो आज जो हम लोग लास्ट क्लास में वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था एंड बुक रीडिंग की, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में जाना था कि कौन से प्लांट होते हैं, कितने टाइप के और उनके एग्जाम्पल क्या है। ओके, और अदर प्लांट में आपका वाटर प्लांट्स थे एंड जो थॉर्नी प्लांट्स थे, कांटे वाले पौधे, उनके बारे में पढ़ा था। एंड जो आज का टॉपिक है उसमें हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं उनके बारे में। जैसे हमारी बॉडी में पार्ट होते हैं वैसे प्लांट के भी पार्ट होते हैं, तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे प्लांट्स के बारे में था। सो ए प्लांट्स आर डिफरेंट पार्ट्स। एक प्लांट है इस टाइप का देख रहे हैं आप, और उसमें डिफरेंट पार्ट होते हैं। अब कौन कौन से पार्ट है? रूट्स होती हैं, रूट्स मीन्स जड़ें, स्टेम तना, लीफ पत्तियां, फ्लावर्स फूल एंड फ्रूट्स फल, और इतने सारे प्लांट्स पार्ट होते हैं। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में देखो, एंड ये देखो नीचे रूट्स हैं जो कि अंडरग्राउंड है, जमीन के अंदर है, और स्टेम, इसको स्टेम बोलते हैं, लीव्स तो पत्तियां सभी जानते हैं, फ्रूट्स टोमेटो का प्लांट है तो उसमें टोमेटो लगे हुए हैं तो फ्रूट्स हो गए, एंड इस टाइप का फ्लावर होता है। ओके, सो ये होती है एंड ये आपका पार्ट्स ऑफ प्लांट था। नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट ऑफ प्लांट्स हैव लीव्स, सभी प्लांट्स में पत्तियां होती हैं, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ये जो है ये प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दे डिफर इन साइज एंड सेप। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी पत्तियां बनी हुई हैं जिनका सभी का सेप अलग अलग है, और आपने सभी डेली लाइफ में भी देखा होगा कि जो बनाना लीफ है वो कितनी बड़ी होती है, नीम की लीफ है, पीपल है, मैंगो लीफ है, ये सभी अलग अलग सेप की और आकार की होती है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे सम लीव्स आर स्मॉल एंड सम आर बिग, कुछ बड़ी होती है कुछ छोटी होती है। ओके, सो इस तरीके से आप देख सकते हैं लीव्स को। नेक्स्ट है आगे यहाँ पे प्लांट्स ऑल्सो हैव ब्यूटिफुल फ्लावर्स, प्लांट्स जो हैं उनमें बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं, दे आर फाउंड इन डिफरेंट कलर शेप एंड साइज। आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें फूल होते हैं, और फूल एक ही कलर के तो होते नहीं है, अलग अलग कलर में होते हैं और अलग अलग शेप होता है, और उनका आकार भी अलग अलग होता है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई लंबा है कोई कैसा भी है। ओके, इस तरीके से आप वो देखते हैं प्लांट्स को और उनके फ्लावर को। नेक्स्ट है यहाँ पे दे ग्रो फ्रॉम बड्स, और वो फ्लावर कहाँ से आते हैं? वो जो बड़े होते हैं तो वो कली से, इस टाइप से पहले बड होती है फिर वो फ्लावर में कन्वर्ट होती है। ओके, आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज रोज प्लांट एंड ये दिस इज बड, एंड ये फिर कन्वर्ट होती है फ्लावर में। ओके, एंड ये यहाँ पे देखो फ्लावर है ये, और फिर यही कन्वर्ट होता है किसमें? फ्रूट में। ओके, सो प्लांट विथ फ्लावर एंड फ्रूट्स, यहाँ प्लांट के साथ में ये फ्लावरिंग प्लांट है और ये फ्रूट एंड फ्लावर वाला प्लांट है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लावर ऑफ मोस्ट प्लांट्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, फ्लावर जो है वो प्लांट, वो जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके जो फूल होते हैं वही बड़े होके क्या बनते हैं? फ्रूट। आपने ये वाला देखा ऐसे। अब यहाँ पे मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, कुछ फल होते हैं जिनमें अंदर बीज होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड, कोई कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें एक ही बीज होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कुछ बीज होते हैं और मैनी बीज होते हैं। आप इस तरह से देख रहे हैं, ये मैंगो जो है इसमें सिर्फ एक सीड होता है, एक ही बीज, एपल है इसमें बहुत कुछ बीज होते हैं, और जो वाटरमेलन है इसमें पूरा बीज होता है। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे सीड्स आर मैनी काइंड, सीड जो है वो कई तरीके होते हैं, वी कैन ईट सम ऑफ देम, कुछ सीड ऐसे होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, वी ईट सीड ऑफ बीट, जो सीड को हम खाते हैं वो कौन कौन से? वीट गेहूं, राइस चावल, बीन ये सेम होती है, एंड पी प्लांट मटर, ये भी क्या है? एक सीड ही है जिन्हें हम खाने के रूप में मतलब भोजन के रूप में खाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि प्लांट जो है वो कैसे ग्रो करता है, सो उसके स्टेज के बारे में देखेंगे। ओके, जो स्टेप के बारे में, जो उसके स्टेप है। सो फर्स्ट में आपने देखा होगा कि अगर बीज है, ओके, फर्स्ट नंबर पे बीज है, आप उसको बीज को मिट्टी में डालते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं, तो वो सेकंड नंबर पे क्या, उसमें इस तरीके से एक दो सी पत्तियां छोटी छोटी सी निकलती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीडलिंग। ओके, थ्री नंबर पे क्या होता है, वही सीडलिंग में थोड़े बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है बेबी प्लांट में। ओके, तो उसको बेबी प्लांट बोलते हैं। फिर यही बेबी प्लांट है वो उसमें आता है फ्लावरिंग प्लांट हो जाता है, फिर ये फ्लावरिंग प्लांट हो जाता है एक बड़ा सा मैंगो का प्लांट। आपने देखा होगा कि जो मैंगो प्लांट देखा होगा आपने, मैंगो आते हैं उसमें, फिर आपने देखा होगा कि आपने मैंगो को यूज करके उसकी जो अंदर का सीड होता है वो डाल दिया, फिर कुछ दिन बाद आप जब बारिश हुई या आपने पानी डाला उसमें, तो उसमें क्या होता है कि
इस टाइप के कुछ पत्तियां निकलती छोटी छोटी सी, फिर आपने देखा कि इस टाइप का होता है, ये सारा आप देख सकते हैं, आप इसको कर भी सकते हैं, ठीक है। सो इससे आपको प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है, ये वो कैसे ग्रो करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ओके। सो ये वाला चैप्टर जो रीडिंग था ये फिनिश है, एंड इसकी एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू।